आज का दिन महिलाओं के लिए बहुत खास है। आज न सिर्फ महिलाएं बोलेंगी बल्कि महिलाओं के लिए भी बोलेंगी। आज के दिन इतिहास के पन्नों के लिए लिखा जाएगा। लेकिन अब आप सब सोच रहे होंगे कि आज ना तो महिला दिवस है और ना ही किसी महिला हस्ती की जन्म या पुण्यतिथि, तो आज ऐसा खास क्या है? चलिए बताते हैं आपको क्यों खास है आज का दिन महिलाओं के लिए। नमस्कार, मैं सोनिया सैनी और आप देख रहे हैं कबीर न्यूज। उत्तर प्रदेश विधानसभा का यह मानसून सत्र एक नया इतिहास रचेगा। मानसून सत्र में 22 सितंबर का दिन इतिहास में यादगार दिन होगा। यूपी विधानमंडल के इतिहास में पहली बार एक दिन 22 सितंबर को दोनों सदनों की कार्यवाही महिला विधायकों के नाम रहेगी। इस दिन सदन में सिर्फ महिलाएं विधायक बोलेंगी, महिलाओं के मुद्दे उठेंगे। प्रश्नकाल के बाद सदन में सिर्फ महिला विधायकों को बोलने का मौका दिया जाएगा। हालांकि उस दिन सदन में सभी विधायक मौजूद रहेंगे, लेकिन बोलने का अवसर सिर्फ महिलाओं सदस्यों को मिलेगा। आपको बताते चलें कि इस बार विधानसभा में भी सबसे ज्यादा 47 यानी 10.90% महिलाएं जीत कर पहुंची हैं। हालांकि अतीत पर नजर डालें तो पहले ऐसा नहीं था। यूपी की पहली विधानसभा में महिला विधायकों की भागीदारी महज 2.55% थी। दूसरी विधानसभा में यह आंकड़ा 6% हुआ तो चौथी विधानसभा में आंकड़ा घटकर 1.64% पर आ गया। स्पीकर, सभापति, दलों की नेता और संसदीय कार्य मंत्री भी महिलाएं नहीं थी। अब यूपी की विधानसभा बदल रही है तो महिलाएं चाहती हैं कि उनकी जिम्मेदारी भी बढ़े। महिलाओं की हिस्सेदारी विधानसभा में बढ़ने के बाद एक महिला को ही 2 बार यूपी का सीएम बनने का मौका मिला, तो कई बार मंत्री भी बनाया गया। इस बार अब तक विधानसभा की 18 स्पीकर बनाए जा चुके हैं जिनमें एक भी महिला नहीं रही है। विधान परिषद में भी 13 सभापति हुए पर इनमें भी कोई महिलाएं नहीं रही। 1 अक्टूबर 1963 को तत्कालीन सीएम चंद्रभान गुप्त के इस्तीफे के बाद सुचेता कृपलानी को यूपी का सीएम बनाया गया था। वह यूपी की ही नहीं देश की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। उनके बाद बसपा प्रमुख मायावती 4 बार सीएम रह चुकी हैं। प्रदेश की पहली और चौथी विधानसभा के अलावा कोई ऐसी विधानसभा नहीं रही जिसके मंत्रिमंडल में महिलाओं की भागीदारी ना रही हो। दूसरी विधानसभा में 2 महिलाएं मंत्री थी तो तीसरी में 3 महिलाएं मंत्री रहीं। 5वीं विधानसभा में 7, 6ठी में 3, 7वीं में 3, 8वीं में 6 और 9वीं में 10, 10वीं में 1, 11वीं में 2, 12वीं में 1 महिला मंत्री रही। 13वीं विधानसभा में 6, 14वीं में 7, 15वीं और 16वीं में 2, 17वीं में 3 और वर्तमान की 18वीं विधानसभा में 4 महिलाएं मंत्री हैं। यूपी की महिला विधायकों ने अपना दम भी दिखाया। कई बार महिलाएं तो 4 से 6 बार जीत कर विधानसभा पहुंची हैं। पहली विधानसभा से अब तक 20 ऐसी महिलाएं विधायक हैं जो 4 से 6 बार विधानसभा पहुंच चुकी हैं। 6 बार चुनाव जीतने वाली विधायकों में विमला राकेश और बेनी बाई शामिल हैं। शकुंतला देवी, शारदा देवी, राजपत देवी, प्रेमलता कटियार, गुलाब देवी 5 बार विधानसभा पहुंच चुकी हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस कदम की सराहना की है। सीएम योगी ने 22 सितंबर को महिलाओं को ही पीठासीन अधिकारी बनाए जाने का अनुरोध किया है। यूपी विधानसभा के इतिहास को देखें तो अब तक विधानसभा में 28 नेता विरोधी दल बनाए जा चुके हैं, पर किसी भी राजनीतिक दल ने एक भी महिला विधायक को नेता विरोधी दल नहीं बनाया। यही नहीं, विधान परिषद में भी 20 नेता विरोधी दल बने लेकिन उनमें भी महिलाएं विधायकों को जगह नहीं मिली। विधानमंडल में प्रत्येक महिला सदस्य को कम से कम 3 मिनट और अधिकतम 8 मिनट का समय बोलने के लिए दिया जाएगा। सतीश महाना ने यह दावा किया है कि आजादी के बाद से अब तक पहली बार सूबे के विधानमंडल में ऐसा नजारा देखने को मिलेगा। महिला विधायकों के स्पेशल सत्र पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश की महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन की दृष्टिगत चलाए जा रहे हैं। मिशन शक्ति कार्यक्रम के विषय में महिलाएं विधायक जरूर बोले, महिला सदस्य अपनी बात निसंकोच तरीके से सदन में रख सके। तो कैसी लगी आपको ये जानकारी कमेंट करके जरूर बताएं और खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहें कबीर न्यूज।